नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान के गौरव द किंगडम ऑफ मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के बारे में। यह ब्यूटीफुल शहर मौजूद है गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर, जो इंडिया के स्टेट राजस्थान के साउथर्न पार्ट में स्थित है। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर से 305 किलोमीटर, सन सिटी जोधपुर से 280 किलोमीटर, वहीं गुजरात के अहमदाबाद से 368 किलोमीटर दूरी पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। साथ ही चित्तौड़गढ़ शहर करता है अपनी बाउंड्री कोटा बूंदी बांसवाड़ा राजसमंद उदयपुर प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश से। वहीं चित्तौड़गढ़ 7,822 किलोमीटर स्क्वायर में घोड़े के नाल के शेप में फैला हुआ है। वहीं 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 15,44,000 के आसपास हैं, जो चित्तौड़गढ़ को बनाती हैं 21वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और साथ ही बताना चाहूँगा, राजस्थान का सबसे अधिक चूना पत्थर सीमेंट चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में ही स्थित है। अब बात करें यहाँ के इतिहास की, तो कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की नींव 7वीं शताब्दी में राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा रखी गई। उसी समय का यहाँ भव्य और प्राचीनतम चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, जो समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा मेसा के पठार पर स्थित है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसके बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। और भाई, कहा भी क्यों नहीं जाए, इसकी विशालता और गौरवमय इतिहास में यहाँ के सूरवीरों और वीरांगनाओं की गाथाएं जो छिपी हुई हैं। इन्हीं में से एक हैं महाराणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब महारानी ने अपने स्वाभिमान की खातिर 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। वर्तमान में इसी स्थान पर हर वर्ष मार्च महीने में जौहर स्मृति संस्थान द्वारा जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ महारानी पद्मिनी का भव्य महल भी स्थित है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी, वहल मछली के आकार में फैला ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पॉन्ड है, जहाँ इसमें आज भी खेती की जाती है। खेती से याद आया, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अफीम, जिसे काला सोना कहा जाता है, और सर्वाधिक मक्का का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिला ही करता है। महाराणा प्रताप की इस प्रिय भूमि पर बने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने वाले कई स्मारक बने हुए हैं, जिनमें पहला है विजय स्तंभ, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। यह 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। इसी के पास बना महाराणा कुंभा महल, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यहीं दुर्ग पर बना सबसे बड़ा जलाशय गोमुकुंड, जिसमें स्नान करना काफ़ी पवित्र माना जाता है। दुर्ग का मेन अट्रैक्शन है फतेह प्रकाश महल, जिसमें अब म्यूजियम की स्थापना की गई है, जिसमें पुराने अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित रखा गया है। और दुर्ग के पूर्व दिशा में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित कीर्ति स्तंभ स्थित है, जो 7 मंजिला ऊँचा है। वहीं फतेह प्रकाश महल के पास स्थित है सतबीस देवरी, जिसमें 27 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। वैसे बात करें चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध मंदिरों की, तो यहाँ बना कालिका माता का विशाल मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। और चित्तौड़गढ़ हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर मंडपिया गाँव में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री सांवरिया जी का भव्य मंदिर बना है, जहाँ काले रंग की श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ लेते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मीरा मंदिर, जो इंडो आर्यन शैली में निर्मित है, साथ ही तुलजा भवानी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर और बाड़ोली का शिव मंदिर, जिसका निर्माण परमार राजा हुण द्वारा करवाया गया था। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाने वाला मातृकुंडिया, जो रासमी के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ का लक्ष्मण झूला काफ़ी प्रसिद्ध है। दुर्ग के पूर्व दिशा में स्थित सूरजपुर, जहाँ का व्यू पॉइंट काफ़ी लुभावना है, जहाँ पर्यटक पहुँचकर अपनी सेल्फी जरूर लेते हैं। और चित्तौड़गढ़ का मेन अट्रैक्शन है चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल, जिसका ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा हर वर्ष मार्च माह में किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से बोली जाती है मेवाड़ी भाषा, और साथ ही साथ हिंदी भाषा भी बोली जाती है। बात करें यहाँ के खान पान की, तो यहाँ का दाल बाटी चूरमा विश्व प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ के फॉरेस्ट की,
जो कवर करता है 350 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जिसमें मुख्य रूप से दो अभ्यारण्य हैं, जिसमें भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं, जहाँ गडियाल इसकी अनुपम धरोहर है। इसी अभ्यारण्य में चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर भैंसरोडगढ़ फोर्ट बना हुआ है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वहीं दूसरा अभ्यारण्य जो बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, यह जंगली बाघों और चित्तल के लिए प्रसिद्ध हैं। और बस्सी से याद आया, यहाँ की काष्ठकला विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने, कठपुतलियाँ आदि बनाए जाते हैं, जिनमें यहाँ की मुख्य रूप से कावड़ प्रसिद्ध हैं। बात करें यहाँ के एजुकेशन की, तो यहाँ की साक्षरता दर 61.7% है। वहीं राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में खोला गया। वहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं चित्तौड़ की एक तहसील राउतपाटा, जहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। और यहाँ चंबल नदी पर राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला राणा प्रताप सागर डैम बना है, जो बिजली उत्पादन के साथ साथ सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। लास्ट बात करें चित्तौड़ के दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की, जिनमें पहला है मैनाल वाटरफॉल, जो चित्तौड़ कोटा हाईवे पर स्थित है। मैनाल पुरातात्विक और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक मंदिर भी है, जिसे महानालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री महानालेश्वर के नाम के आधार पर इसे मैनाल कहा जाता है। यहाँ गिरता मैनाली नदी का जलप्रपात पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो मित्रों, आप कब जा रहे हैं इस धर्म और प्रकृति के सौंदर्य के अद्भुत संगम स्थल को देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वहीं मैनाल वाटरफॉल से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित जोगणिया माता का प्राचीन व भव्य मंदिर बना हुआ है, जो चित्तौड़ व भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर स्थित है। माता अन्नपूर्णा के जोगण का रूप धारण करने के कारण ही इन्हें जोगणिया माता के नाम से जाना जाता है। जोगणिया माता मंदिर ऊपरमाल पठार पर स्थित है। बरसात के समय मंदिर के पास से नीचे लगभग 100 फीट गहरे दर्रे में गिरता झरना यहाँ आए भक्तों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में बदल जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कहीं दूसरे शहर की यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।